अभी अभी मैं पहुंचा हूँ घर पर, काम निपटा करके अपना। शाम का करीब करीब 5:45 हो गया, 4:44 हुआ है, 13 जनवरी 2021। और अभी थोड़ी देर पहले एक तो उमर का फ़ोन आया था मेरे पास में, हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज कहीं पर विज़िट करके आया जाए। तो कहाँ पर हम लोग विज़िट करने के लिए जाएंगे उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा फ्रेशन अप करके आता हूँ। मेरा रूम हमेशा की तरह एकदम मैस्ड है, पूरी तरीके से बेड बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। और अभी अभी भाभी ने बताया कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो वो आ गया, चेक करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो यार अपना ये प्रोडक्ट तो हो गया खुश, ये मैंने मंगवाया था एक्चुअली, नाइट लाइट है ये, अमेजोन से मैंने इसको ऑर्डर किया था, लेकिन ये बेकार है, ये काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, सो हम इसको रिटर्न कर देंगे। क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या लेके आए, पहले तो मेरा प्लान था कि मैं घर से और तोमर के फ्लैट तक जाऊंगा बाइक से, लेकिन मैंने अभी तोमर को यहाँ पर बुला लिया है, क्योंकि एक्चुअली हम रात में जब वापस आएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा और तब फिर रात में काफ़ी ठंड होती है तो बाइक पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए तोमर ही मुझे ड्रॉप कर देगा यहाँ पर वापस में। तो अभी तोमर आने वाला है, उस तक मैं चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। और हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है दिल्ली वेज टू वंडर पार्क। हेलो, मैं लेट साला, तुम लेट साला, 5 मिनट से खड़ा हूँ मैं, 5 मिनट से खड़े हो तुम, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तो अभी तोमर तो आ गया है और हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है, शाम को ही डिसाइड हो गया था कि हम लोग जाने वाले हैं वेज टू वंडर पार्क। और तोमर अभी जिस गाड़ी में आया है ये है हुंडई ओरा, तोमर ने करीब 1 से 1.25 महीने पहले इसको परचेज किया है, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले तोमर ने इसको लिया है, और पहले तो उमर के पास थी टाटा टियागो। तो एक वीडियो तो बनता है हुंडई ओरा का, किस किस को चाहिए कमेंट करके बताएं। जिम ज्वाइन कर रही है, अब से गया नहीं है, एक बार जाने की बन नहीं पा रहा प्रोग्राम। कोई इंसान ट्रैवलिंग का सपना रखना चाहता है, नई नई जगह पर जाना चाहता है, और नई नई जगह जाने के लिए वो प्लान करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा डायलेमा क्या हो सकता है। भाई साहब ने शाम को चेक किया था कि वेज टू वंडर पार्क अभी खुला हुआ है 9:30 बजे तक, अभी मैं ये देख रहा हूँ, ये दिखा रहा है टेम्परेरी क्लोज। अब बताइए क्या किया जाए इस इंसान का। भाई मैंने देखा था 4:30 बजे वो दिखा रहा था ओपन, 3:30 बजे से हम दोनों लोग मिलकर के प्लानिंग कर रहे हैं, और जब हम यहाँ से अब छोड़ रहे थे नोएडा को दिल्ली जाने के लिए तो टेम्परेरी क्लोज है। अभी तोमर जस्ट डायल पर फोन करेगा और वहां से कंफर्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेज टू वंडर पार्क का कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। नोएडा से वेज टू वंडर जो दिल्ली में है वो ओपन है, सो अभी दो चीजें हो गई हैं, गूगल आंटी बता रही हैं कि टेम्परेरी क्लोज्ड है, और जस्ट डायल वाले बता रहे हैं कि अभी खुला हुआ है 10 बजे से 10 बजे तक ओपन है। तो अभी जस्ट डायल से हमें नंबर प्रोवाइड कराया गया है वेज टू वंडर पार्क का, तो वहां से हम कंफर्म करते हैं कि अभी क्लोज्ड है टेम्परेरी कि अभी खुला हुआ है। गाइस देख लो, हम पहुंचते हैं नहीं। अगर पिक करते तो ही जाने का मतलब बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं, क्योंकि गूगल मैप पे आईफोन पे दिखा रहा है टेम्परेरी, वो आईफोन पे दिखा रहा है ओपन, और एंड्रॉइड पे दिखा रहा है क्लोज। मेरे दोनों एंड्रॉइड पर दिखा रहे हैं क्लोज, टेम्परेरी क्लोज, मेरे एक एंड्रॉइड ओएस पे आईफोन पे दिखा रहा है ओपन। तो यार क्या ही चल रहा है, जस्ट डायल वाले भी कह रहे हैं ओपन है, नंबर इनका लग नहीं रहा जो दिया नहीं उठा रहे। तो यार ये तो हमारा पोपट हो गया वेज टू वंडर पार्क का, आज का तो सीन बहुत ही रेयर चांस अब लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जो जसदैल से हमें मिला है उस पर हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से पिक नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ से 23 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटे का रास्ता है,
और ट्रैफिक भी होगा रास्ते में काफ़ी आई थिंक, क्योंकि अभी जो किसान यूनियन की रैली वगैरह चल रही है तो उसकी वजह से काफ़ी डाइवर्जेंस हैं। जो NS-24 है जिसको अब NS-9 भी बोलते हैं, ये अभी हमारे सामने, तो इस पर काफ़ी जगह डाइवर्जन है, ऊपर से नहीं जाने देंगे। सो अभी का सीन तो कुछ ऐसा है कि अभी हम थोड़ा सोच विचार करेंगे बैठ करके कि क्या करना है, अभी आगे अपडेट करते हैं। ये होता है तब जब आप बिना प्लानिंग के कहीं बाकी चले जाओ। किस पे ट्रस्ट करें, गूगल पे करें, जस्ट डायल वालों पे करें, अपने आप पे करें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यार पिक करा था उस समय कोई बोला ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं, घर जाऊं इनके, उनको भी बता दो ओपन है नहीं। जस्ट डायल को फोन करो, एड्रेस पूछ लो घर का। जस्ट डायल वाले अपने घर का दे देखेंगे, यहाँ वो पहले तो चाय पानी करवाते हैं कुछ। तो यार आज का पोपट होने के बाद में अब तोमर निकल रहा है यू टर्न मार के वापस घर। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके पास रात के भी कुछ प्लान है। तो ठीक है, खैर किसी की रात वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सो मैं भी चलता हूँ घर पर, फिर चलता हूँ घर पर और फिर अपडेट करता हूँ आपको। जिम जाता हूँ, सिक्स पैक दिखाऊंगा आप लोगों को। अरे नहीं, अरे हाँ, 2-3 मंथ बाद। हाँ पक्का पक्का, डन। कैमरे के सामने हो? अरे पेलेंगे बहुत लोग तुम्हें। अरे नहीं। गाना गा दो क्या? कॉपीराइट आ जाएगा। सिंगिंग पे भी? अरे नहीं चलाने। यार आज का प्लान तो हो गया बिल्कुल पूरी तरह से पोपट। खैर कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग जाएंगे तो पूरा एकदम रिसर्च करके जाएंगे कि ओपन है कि नहीं है। दोस्तों इसीलिए हमें जब भी हम कहीं पर विजिट करने के लिए जाते हैं तो यूट्यूब पर एक बार जरूर सर्च मार लेना चाहिए और उस प्लेस की एक वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि हमें पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि वहां पर क्या क्या चीजें किस तरीके से होती, ताकि हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। और मैंने किसी वीडियो को सर्च नहीं किया था जो वेस्ट टू वंडर पार्क से रिलेटेड हो। सो खैर कोई नहीं, अभी बात कर लेते हैं। जो आपने क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा है, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप बाइक राइड क्यों नहीं कर रहे हो, या बाइक से जो ट्रिप है आपकी वो किया करो, आप गाड़ी से ना जा करके बाइक से किया करो। तो यार मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास मेरी करिश्मा ZMR है वो अभी इस लायक नहीं है कि मैं उसको कहीं लॉन्ग राइड पर लेकर जाऊं। उसको मैं केवल सिटी पर्पस से यूज कर सकता हूं अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसेमंद अब वो नहीं रह गई है, काफी पुरानी हो गई है। 2011 में मैंने उसको परचेज किया था, तब से करीब करीब 10 साल होने वाला है अभी, उसको जुलाई में 10 साल हो जाएगा। मेरा प्लान ये था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, तब मतलब मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था, हालांकि मैं पहले भी परचेज कर सकता था, कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर हो जाएंगे तब मैं कोई नई एडवेंचर बाइक परचेज करूंगा अपने लिए। क्योंकि अभी क्या है कि अगर मान लो मैं कहीं पर हिल स्टेशन वगैरह कहीं दूर जाता हूं तो एडवेंचर बाइक उसमें ज़्यादा सुटेबल रहेगी लॉन्ग राइड के लिए। तो मेन पर्पज़ मेरा एडवेंचर बाइक को लेने का यही है कि मैं लॉन्ग राइड अगर करता हूं तो उसके लिए कंफर्टेबल रहेगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरी शादी भी हो चुकी है और थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाइक नहीं ले सकता, लेकिन मैंने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया है कि एटलीस्ट मेरे जब 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं जा करके कहीं कोई एडवेंचर बाइक लूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले समय में मेरे चैनल पर कोई वीडियो व्लॉग्स वगैरह नहीं आएंगे, जो मेरी लॉन्ग राइड वगैरह होंगी या कोई दूर की डेस्टिनेशन होगी कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अगर बाइक नहीं ले रहा हूं तो इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं निकलता है। सो ये तो हो गई एक ये बात, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसका जवाब हो गया है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में एडवेंचर बाइक जो है एक आम आदमी के लिए, मुझ जैसे एक आम इंसान के लिए, कौन सी ऐसी एडवेंचर बाइक्स हैं जो हम ले सकते हैं अपने बजट के अंदर, तो एक वीडियो उसकी आएगी। तो चैनल को बने रहिए और यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहले करा दो, उसके बाद 2000 करा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लिंक शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। जब आप लोग लाइक करते हैं और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और उससे फिर लगता है कि हाँ और अच्छे तरीके से काम किया जाए। सो अब मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं, पूरा कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालता रहूं अपने चैनल पर। सो यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि किस तरीके से हम सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह ले सकते हैं अपने मोबाइल कैमरा से और किस तरीके से हम अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो अगले आने वाले मेरे व्लॉग्स होंगे उनके अंदर आएंगी, तो आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ में। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड कर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।